तुफील गेम फैमिली ने कल की वीडियो देखने के बाद एक सवाल से कमेंट सेक्शन भर दिया कि आखिर रसोड़े में कौन था। नहीं मतलब ये वाला सवाल नहीं था, वो ओमनी मैन ने टैप आउट किया या नहीं किया। तो कल को कमेंट सेक्शन इस सवाल से भर दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं करना है क्योंकि आज खतरू टीम वापस आ चुकी है और नई खतरू टीम का मैच होगा रैंडम सुपरस्टार्स की टीम के साथ, जिसके पहले सुपरस्टार है वेड बैरेट। तो नई खतरू टीम को जो रैंडम टीम फेस करेगी उसके सेकंड सुपरस्टार रोमन रेंस के पापा समोन सिका और सिका सर और जॉन सिना को ओवरऑल सेमी 97-97। तो रैंडम टीम के फाइनल सुपरस्टार जो आज इस टीम को कंप्लीट करेंगे वो और कोई नहीं है बल्कि सेथ चालू रॉलिंस। तो रैंडम सुपरस्टार्स की टीम का यही मजा है ना कि तीन सुपरस्टार कौन सामने आएंगे ये अपने को नहीं पता है, लेकिन अब पता चल गया है। और अगर देखा जाए तो ये रैंडम सुपरस्टार्स की टीम काफी अच्छी है, लेकिन खतरू 2.0 को हराने के लिए चांस ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं है। और फिलहाल में जब तक आज का गेमप्ले स्टार्ट हो रहा है, आप लोग अपना काम जानते हो भाई, क्या करने का, एकदम वीडियो को एकदम फटाक से लाइक करने का है। और मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा है कि आप में से बहुत लोग हैं जो डेली वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपसे बात करूं भाई, डेली वीडियो के मजे ले रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लो, फ्री का होता है। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ और कमेंट करके बताओ अगर आप भी उनमें से हो जो कि डेली वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कौन करता है यार, थोड़ा मेहनत लग जाता है ना। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। आज वीडियो स्टार्ट ही हुई अभी, जॉन सिना के दोनों फिनिशर खत्म, जिसमें से एक कनेक्ट हो गया, एक रिवर्स हो गया और वेड बैरेट ने टैग भी दे दिया जाकर। इतनी भी क्या जल्दी थी वेड बैरेट, या जॉन सिना ही आजकल लेट लगाते हैं टैग देने में, ये पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। ब्रॉक लेसनर भी चले गए, सेथ को आदत है भाई, सेथ को बस रोमन नजर आ जाने चाहिए, रोमन को मार रहे थे ना सेथ, लेकिन आई थिंक रोमन ने रिवर्स करके सेथ को घिरा दिया है और रोमन वापस आ गए। सेथ का आता पता नहीं है, सेथ मार खा के कहीं पड़े होंगे। सेथ कहां हो इस टीम में, मुझे सिका ओके लगा दिया, सिका सर ने अपना समोन ड्रॉप लगा दिया है। तो ये रैंडम सुपरस्टार्स की टीम में ना सिका और सेथ रॉलिंग्स ही खतरनाक है, वेट पैरेट का कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जब इनका डीएलसी आया था, मैंने इनको फर्स्ट मैच दिया था तो कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिमिनेट हो गए थे। तो आज देखते हैं, आज चलो हो सकता है फर्स्ट बार गलती हो जाए, लेकिन अगर सेकंड बार वही गलती सेम टू सेम हो तो फिर उसको गलती नहीं बोलते, फिर उसको आदत बोलते हैं। तो ऐसी गंदी आदत वेट बैरेट मत लगाना, यानी कि तुरंत एलिमिनेट होने की, ऐसे जीतोगे तो नहीं सर, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन तुरंत एलिमिनेट हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ भी बोले भाई, कल जो कंट्रोवर्सी के साथ मैच खत्म हुआ है ना, मतलब खतरनाक टाइप से कंट्रोवर्सी हुई है। रियल डब्ल्यूडब्ल्यूई में आजकल इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, जिमी उसो ने जब जे उसो को धोखा दे दिया था वो भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी। कल जब खत्म हुआ है, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आया ना, कल की वीडियो फिर से आप लोग देखना क्या हुआ था। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई साउंड आया टैप आउट करने का, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे साउंड नहीं आया टैप आउट करने का, पर हाँ वो नाम लिखा गया ओमनी मैन का, तो समझ में नहीं आया कि ओमनी मैन ने टैप आउट करा कि नहीं करा, क्योंकि ओमनी मैन ने फिनिशर बचाया नहीं था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ओमनी मैन बचे नहीं थे, छूट के अलग नहीं हुए थे। और आप लोग जान रहे हो 2K23 में जब कोई तड़पने लगता है तब वो टैप आउट करने वाला रहता है या टैप आउट कर देता है, बस यही लोचा हो गया। अगर ओमनी मैन नॉर्मल भी रहते ना तो हम लोग मान लेते कि हाँ टैप आउट नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल नहीं थे, वो तड़प रहे थे, टैप आउट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, रेफरी बिका होता। कुछ ही बोले भाई, रेफरी बिका होता, लास्ट के टाइम में बोल देता टैप आउट, ड्रॉ हो जाता मैच, लेकिन नहीं, कंट्रोवर्सी से खत्म करवाता था। ब्रॉक लेसनर ने भी सबमिशन दे दिया, सिका सर को ये तीसरा फिनिशर लगा था, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हुए सर, ओपी लेकिन एलिमिनेट हो जाने चाहिए थे। सीना ने आई थिंक अपना दो दो फिनिशर लगा दिया था ऑलरेडी, लेकिन सिका एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, अच्छा ही है। सिका वर्सेस रोमन चाहिए, ब्रॉक का फिनिशर रिवर्स कर दिया है और सिका सर के पास भी एक फिनिशर है। मेरा आधा ध्यान ना सिका सर के चप्पल पे चला जाता है पता है, और मैं सोचता हूँ हर बार कि बस ये मैच देखने के बाद मैं ऑर्डर करूंगा, लेकिन भूल जाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ ये कुछ ज्यादा ही मतलब फ्लैट नहीं है ऐसा चप्पल, पर अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ा कूल टाइप का लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या किया जाए, लिया जाए क्या ऐसा चप्पल। अगर ज्यादातर लोग बोलेंगे लो तो मैं लेकर कम्युनिटी पोस्ट पे खोज कर पोस्ट करूंगा खरीदने के बाद। रोमन और उनके पापा दोनों बिजी है अटैक करने में, रोमन देख लो नीचे क्या करे, वेट बैरेट को मारे, क्या जरूरत थी रोमन। कल की कंट्रोवर्सी के बाद गॉड मोड रोमन कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। अच्छा मुझे याद है कि आप लोगों ने मीम बना दिया है कि अरवान भाई लाइव नहीं करेगा, तो मुझे याद है, मैं कमेंट देखता हूँ, आप लोग को ऐसा लगता होगा कि मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर कमेंट्स को लाइक भी दे देता हूँ। और अब क्या करूँ भाई, दिन में दो दो तीन तीन वीडियो बनानी है वो भी डेली, तो कोशिश करता हूँ ज्यादातर कमेंट्स देखूं और उनको हार्ट भी दे दूं, और स्टार्टिंग में तो बल्कि आधा घंटा दे भी देता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में लग जाओ। फेल गेम 2.0 भी है याद है ना, उसमें भी एक दो घंटे की वीडियो बनाओ और उसके बाद फिर घर के भी काम है, तो इतने इतने काम भी कर रहा हूँ, वीडियो भी डाल रहा हूँ भाई, वो भी डेली, तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है ना कि मैं बहाना नहीं दे रहा हूँ, वाईफाई लेकिन ठीक हो गया मेरा और कभी भी लाइव हो सकता है,
और ऐसा आप लोग प्लीज मत सोचो कि मैं फ्री बैठा हूं और लाइव नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग ने फेल गेम टू पॉइंटो को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो और देखो कि उस पर डेली एक एक घंटे की वीडियो आ रही है और वो काफी लंबी वीडियो है, कभी कभी तो एक घंटे से ऊपर की भी वीडियो आती है, तो उस वजह से भी बिजी रहता हूँ। प्लस के लाइव होगा, वादा है लाइव होगा इस महीने कम से कम 4 बार तो होगा ही। सीगा सर सीना को पीट पाट के निकाल रहे, वेट बैरेट को टैग मिल गया, सीना ऑलरेडी वेट बैरेट आई थिंक एक दो फिनिशर खा चुके हैं तो एलिमिनेट कर दो, लेकिन वेट भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टक्कर दे, लास्ट टाइम भी उतना अच्छा नहीं खेला था। सीना के पास अभी सिग्नेचर फिनिशर नहीं है, वेट बैरेट एटलीस्ट एक आध फिनिशर लगा दो, मंकी फ्लिप भी खा गए। सीना टैग मत देना, रोमन को टैग मत देना, मैं इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि रोमन को टैग मिले क्योंकि रोमन की हेल्थ देख लो, फुल हेल्थ प्लस 2 फिनिशर, रोमन तुरंत मैच खत्म कर देंगे। लो भाई रोमन को आई थिंक के टैग मिलने वाला है, ब्रॉक को अच्छा हुआ टैग नहीं मिला, लेकिन ब्रॉक ने इंतजाम कर दिया है वेट बैरेट का, पता नहीं सीना ने फिनिशर क्यों नहीं दिया, अच्छा फिनिशर है ही नहीं, ब्रॉक के पास फिनिशर था, सीना के पास नहीं है। चलो बेयर हग से बच गया, नॉर्मल सबमिशन से टैप आउट करते वेट बैरेट तो बुरा लगता। देखो मैं जान रहा हूँ कि हारेंगे खतरू 2.0 से ये लोग, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि वेट बैरेट खराब खेले, एटलीस्ट एक बार अच्छा खेले क्योंकि लास्ट टाइम भी अच्छा नहीं खेला था। तो सर आज मौका आपके पास अच्छा खेल के दिखाओ, नेक्सस की लीडर हो, भले ही जॉन सीना ही की वजह से नेक्सस हारी थी और उसके बाद नेक्सस का डाउनफॉल हो गया था। अच्छा किसको किसको वो सीन याद है जब सीना ने मतलब पूरा चेयर से जो भरा हुआ था अरीना और सीना ने पूरा चेयर गिरा दिया था लाइन से सारे चेयर्स वेट बैरेट के ऊपर, वो वाला सीन याद है जब वेट बैरेट वर्सेस जॉन सीना हुआ था सिंगल्स मैच, बस फिर वहां से वेट बैरेट का करियर फिर चमका ही नहीं और वो हमेशा मिड कार्ड में ही अटक के रह गए। तो वो मैच में अगर वेट बैरेट जीत जाते तो शायद शायद उनका करियर कुछ और होता। ये नेवर गिव अप सीना ने एसटीएफ ना देने की कसम खा ली है क्या, जैसे मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ वैसे सीना एसटीएफ भी नहीं दे रहे, ऐसा है क्या सीना, जिस दिन मैं लाइव करूंगा उस दिन सीना एसटीएफ देंगे, सीना का भी ऐसा वादा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक 0 एलिमिनेशन कैसे हुए, अभी तक तो एक आध एलिमिनेशन हो जाता था, 2-2 फिनिशर दिया हुआ था, चलो रोमन आ गए यानी कि अब 1 एलिमिनेशन होने वाला है, क्या गॉड मोड रोमन आ चुकी है, स्पीयर से स्टार्ट, ओ स्पीयर नहीं दिया रोमन, ओमनी मैन समझ कर मारेंगे क्या आज सबको। रोमन के पास 2 फिनिशर 1 सिग्नेचर, आई थिंक 1 फिनिशर में सेट एलिमिनेट हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओके रोमन ये गलती की, अब सेट अपना फिनिशर लगा सकते थे, सेट ने क्या किया स्लिंग ब्लेड लगा दिया, गिलिटीन देने जा रहे रोमन ही का फिनिशर, रोमन को चिपका दिया भाई साहब, ये आजकल रोमन का फिनिशर सब रोमन के ऊपर यूज करने लगे हैं। मुटिव के बाद माइकल कोल जो लाइन बोलते हैं ना इंसल्ट टू इंजरी, इसका सही मतलब 2K23 में दिखा है क्योंकि अपोनेंट को ना सिर्फ उसी का मूव दे दिया बल्कि उसने जो एक फिनिशर बचा के रखा था वो भी छीन लिया है। रोमन को ऑलरेडी एक फिनिशर लग चुका है भाई, रोमन ने रोप पकड़ के, चलो रोप ब्रेक की जरूरत थी नहीं लेकिन ठीक है, इस रोप ब्रेक की वजह से ना बहुत लोग मैच हारते हैं, अगर रेफरी देखेगी नहीं ना रोप ब्रेक तो अपोनेंट फिर किक आउट नहीं करता है, गेम में ऐसा सिस्टम है, समझ लो कि किसी ने रोप पकड़ लिया और रेफरी की नजर नहीं है, उसने देखा नहीं, हो चुका है लाइव स्ट्रीम में हुआ है याद है ना, तो रेफरी फिर 1-2-3 कर देती है और अपोनेंट किक आउट भी नहीं करता है, ऐसा कभी कभी हो सकता है जैसे रियल WWE में भी होता है, लेकिन हाँ गेम के अंदर भी पॉसिबल है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस वेट बैरेट, एक फिनिशर की बस कमी थी, वेट बैरेट एलिमिनेट हो जाते, पता नहीं अभी तक कैसे टिके हुए हैं, चलो एटलीस्ट अपना सिग्नेचर लगाया सर, फिनिशर भी लगा ही देते अपना, 3-3 फिनिशर है। वेट बैरेट जब लास्ट टाइम भी आए थे ना तो उनका फिनिशर हम लोग नहीं देख पाए थे याद है, क्योंकि वेट बैरेट का जब वो फिनिशर देने जा रहे थे तो सीना ने डबल रिवर्स कर दिया था और लगता है कि आज भी नहीं देख पाएंगे, वेट बैरेट टैप आउट ऑलमोस्ट टैप आउट कर दिया था, ये बच कैसे गए अभी भी, अभी तक तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अच्छा है लगता है कि आज हम लोग फिनिशर देख ही लेंगे ना फाइनली वेट बैरेट का। नीचे सीना को सीका सर मार रहे रोमन, अपने पापा को जाके रोको, हाँ रोमन जा रहे हैं, रोमन जा रहे हैं, रोमन अपनी टीम के प्रति ज्यादा लॉयल है, सीना को मार से बचाने रोमन अपने पापा सीका सर को रोकने गया है, रोक भी लिया है, वाह चलो आज फाइनली बस डबल रिवर्स मत होना, ये फिनिशर आखिरकार देख ही लिया, चलो सही है अच्छा था, लेकिन ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट नहीं हुए, ऑब्वियसली एलिमिनेट नहीं हुए, रेजिलेंस चली गई है, लेकिन कम से कम अभी भी 2 फिनिशर लगेंगे लेसनर को एलिमिनेट करने के लिए क्योंकि ये नॉर्मल वाले लेसनर नहीं है, बीस्ट मोड है, ब्रॉक एक भी फिनिशर नहीं है, लेकिन क्या करोगे इसका, क्योंकि फिनिशर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओ मूव थी वेट बैरेट का फिनिशर, वेट बैरेट को लगा दिया, कॉर्नर वाला लगाते ना ब्रॉक, यहां देख लो नीचे क्या चल रहा है, चलो भाई वेट बैरेट का अब तो टाटा है, अपने ही मूव से टाटा, इसको बोलते हैं इंसल्ट टू इंजरी, और ब्रॉक लेसनर स्टाइल भी मार रहे हैं इसके बाद, रेफरी सीका सर की तरफ देख रही है और नाम भी उन्हीं का ऊपर हो गया है, तो जिसका भी नाम ऊपर रहता है टैग टीम मैच में, ये पता नहीं आप लोगों ने, आई थिंक फेल आर्मी बहुत तेज है, मेरे से पहले हर कुछ देख लेती है, तो जिसका भी नाम ऊपर रहता है वही लीगल आदमी रहता है, मतलब टैग टीम मैच में तो सीका सर का नाम ऊपर है तो वही लीगल आदमी है। वेट बैरेट की बात, ब्रॉक 5 ही काउंट का रखा है तो देख लेना,
पांच काउंट में डबल काउंट आउट मत करवा लेना, सेठ बेचारे अकेले बच जाएंगे। ब्रॉक अंदर जाओ, अंदर जाओ। ब्रॉक के पास भी एक फिनिशर आ चुका है और ब्रॉक अब टैग दे सकते हो। सेठ को मारने की जरूरत नहीं थी ब्रॉक, एक तो बेचारी टीम ऐसी हार रही है, एक आदमी एलिमिनेट हो गया है, लेकिन दो जो खतरनाक लोग थे ना, जिनको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वो दोनों बचे हुए, सीका और सेठ। यही तो देखना था भाई, फादर वर्सेस सन, रोमन वर्सेस सीका, रोमन फिनिशर। गाइस सीका सर गया, आई थिंक ये टैप आउट कर देंगे, एलिमिनेट हो गया बिना टैप आउट किए, नॉकआउट हो गए रोमन वर्सेस सेठ। जब जब रोमन वर्सेस सेठ हुआ है, सेठ ने हमेशा 3-5 किया है, लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि टैग टीम मैच में भी रोमन को किसी ने अभी तक एलिमिनेट नहीं किया है, तो ये गॉड मोड को आज पहली बार कोई एलिमिनेट करेगा क्या? सेठ फिनिशर दे सकते हो, स्टॉम्प, सेठ ने स्टॉम्प लगा दी, लेकिन ये क्या हुआ सेठ, ये कैसे स्टॉम्प लगाया? कोई नहीं, सेठ दोबारा देने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन रोमन ने इस बार फिनिशर ही छीन लिया। सेठ पूरे मैच में अभी तक एक फिनिशर अपना नहीं दिया है ना, अभी तक एक भी नहीं दिया, एक ट्राई भी किया था वो भी रोमन ने रिवर्स कर दिया, आई थिंक सिग्नेचर भी नहीं दिया है। सेठ ने एक ही फिनिशर दिया था, गिलिटीन, जो कि रोमन का फिनिशर था। सेठ को बल्कि 2K23 में वही फिनिशर रख लेना चाहिए, क्या बोलते हो? गिलिटीन दे दूं क्या सेठ को? ना, मजाक कर रहा हूं, कि गिलिटीन ही मूव तो है जो रोमन को खतरनाक बनाता है। सेठ बेचारे बार बार रिवर्स कर रहे हैं, ये रोमन अरे जा रहे जाने देते ना सेठ, क्या जरूरत थी? अब इस वजह से एलिमिनेट हो गए ना, टैप आउट करो, अब टैप आउट नहीं करेंगे सेठ, रेजिलेंसी चली गई, जाने देते रोमन को, किसी और को टैग मिलता। सीना के पास सिग्नेचर फिनिशर भी नहीं था ना सेठ, थोड़ा लंबा पुआ, ये सेठ बार बार दौड़ के आ रहे, रोमन पटक दे रहे, पिनफॉल, सेठ किकआउट करोगे लग रहा नहीं है, सेठ बिना फिनिशर ही के चले गए। सेठ भाई रैंडम सुपरस्टार्स, मुझे पता था कि हारेंगे, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हारेंगे कि एक भी आदमी एलिमिनेट नहीं हो। तो फिलहाल भी आज के रैंडम सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद ना, मैं आप सबको मौका देता हूँ कमेंट करो, और इस नई खतरू टीम के लिए कोई ऐसी टीम बताओ ना जो इनको हराने पे लेते आए, और कॉडी रैंडी ऑर्टन वाली टीम मत बोलना, वो करवा चुके हम लोग और वो लोग हार भी चुके हैं, कोई इनसे भी ज्यादा डेंजरस टीम बताओ जो कि मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ। और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट डालते ही रहता हूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर।